दोस्तों नमस्कार। आप सभी अगर स्पाइस मनी के रिटेलर हैं तो जानते होंगे मोबाइल ऐप जो आपका है, अगर आप वेब में यूज़ कर रहे हैं तो आपको वीआईपी प्लान के बारे में एक नोटिफिकेशन आता होगा। और लगातार हमारे जो सब्सक्राइबर थे, हमारे जो रिटेलर भाई थे, वो इस वीआईपी प्लान के बारे में जानना चाह रहे थे कि क्या है एक्चुअली ये वीआईपी प्लान, क्योंकि अभी उन्होंने कुछ जो वीडियो देखे उसमें उनको ज़्यादा कमीशन के बारे में जानकारी दी गई, फ्री डिवाइस के बारे में जानकारी दी गई, लेकिन एक्चुअली वीआईपी प्लान है क्या, इसको पूरा समझने के लिए आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। ये जो वीडियो है थोड़ा लंबा हो सकता है ताकि मैं आपको इसके एग्जैक्ट बेनिफिट बता सकूं। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको ये क्लियर बता दूं कि यहाँ पर ये जो वीआईपी प्लान है ये एक पेड सब्सक्रिप्शन प्लान है, जिसमें कि आप भुगतान करके वीआईपी सर्विसेज, कुछ एडिशनल बेनिफिट, फ्री डिवाइस और अधिक कमीशन का लाभ उठा सकते हैं। और जितना मैंने अभी तक समझा है कि ये जो प्लान है, एक सामान्य जो रिटेलर जिनका एक औसत बिजनेस है और औसत से लेके अच्छा बिजनेस है, उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया प्लान हो सकता है। आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, तो पूरा आप ये वीडियो जरूर सुन लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, स्क्रीन पर आप देखते जाएगा, मैं एक एक करके सारी जो प्लान है उनके बारे में आपको जानकारी दूंगा। यहाँ पर स्पाइस मनी ऑलरेडी कुछ पहले से प्लान चला रही थी, उन्हीं प्लान को अपग्रेड करके या उनको और सुधार करके और फैसिलिटी बढ़ा के इन्होंने वीआईपी प्लान को लेके आया हुआ है। इसलिए हम यहाँ पर तीनों प्लान के बारे में बात करेंगे ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि आपको किस प्रकार के प्लान लेना है। रही बात जो वीआईपी प्लान के बारे में बात आ रही है, वो केवल 31 मई तक के लिए, 31 मई 2024 के पहले आप इसको ले सकते हैं, ये अभी का अपडेट है। इसके आगे अगर डेट बढ़ती है तो उसकी जानकारी आपको कंपनी के पोर्टल या हमारे माध्यम से मिल जाएगी। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि बेसिकली यहाँ पर स्पाइस मनी तीन प्रकार के करेंटली प्लान दे रही है, जिसमें पहले बेसिक प्लान था, एडवांस प्लान है और अभी हमारा वीआईपी प्लान है। पहले हम आपको बता दें कि जो आप पहले प्लान लेते थे उसको हम लोग एसपीपी बोलते थे। आपके पास अगर आपके डिस्ट्रीब्यूटर या कंपनी के जो डिस्ट्रिक्ट लीड आते होंगे, उन्होंने शायद आपको इस प्लान के बारे में जानकारी दी थी। संक्षिप्त में अगर हम देखें तो ये 199 रुपये का प्लान होता है, जिसका एक महीने का सब्सक्रिप्शन होता है। यदि हम 1099 रुपये लेंगे तो हाफ ईयरली, मतलब लगभग ये 6 महीने का चलता है। और यदि हम यहाँ पर बात करें 1900 रुपये का, तो ये भी एनुअल चलता है। और एक होता है इसी में 4999 का, ये भी एनुअल होता है। और यदि एक रफली हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन के बेनिफिट मिल जाते हैं कि आप जो यहाँ पर AAPS ATM के ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें आपको कमीशन ज्यादा मिलता है। आगे हम टेबल के माध्यम से जानेंगे कि कितना ज्यादा मिलता है। इसके बाद यदि हम बात करें, जो एडवांस प्लान थे वो एक 1499 का था, जो कि क्वार्टरली था, मतलब 3 महीने का था। और एक था 2799, मोटा मोटा हम इसको 2800 रुपये मान के चलते हैं, तो ये हाफ ईयरली प्लान था। और इसमें जो आपको बेनिफिट मिलता था वो एक तो ट्रांजेक्शन का होता था, फ्री वॉइस अलर्ट का होता था, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप वॉइस अलर्ट सर्विस लेते हैं तो इसके लिए मंथली एक चार्ज लगता है, तो यहाँ पर ये चार्ज नहीं लगता था। और दूसरा यहाँ पर था डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब यहाँ पर होता है कि यदि आप कंपनी से कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं, MATM, फिंगरप्रिंट डिवाइस और आने वाले समय में कुछ और जो प्रोडक्ट हैं वो आने वाले हैं, तो वहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल जाता है। और अभी करंटली जो हमारे पास प्लान आया है उसको इन्होंने वीआईपी रखा है, और ये चार प्रकार के प्लान हैं। अगर हम बात करें तो ये चारों के चारों सालाना प्लान है, आपको एक बार में ही साल भर का प्लान यहाँ पे लेना पड़ेगा। यहाँ पर ये 6000, 7000, 8000 और 10000 रुपये के ये प्लान हैं। हर प्लान में कुछ ना कुछ अंतर है, कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिल रही है, वो हम वीडियो में आगे टेबल के रूप में देखेंगे। तो ये तो हुआ कि तीन प्रकार के प्लान हैं अगर आप देखें तो, इसमें वीआईपी प्लान के बारे में अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन चूंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई वीआईपी प्लान ले पाएगा, तो हमने सोचा कि हम आपको बेसिक प्लान के बारे में भी बता देते हैं कि वीडियो में, इसी में आपको एडवांस प्लान के बारे में बता देंगे और इसी में वीआईपी के बारे में भी बता देंगे। अब अगर हम बात यहाँ पर कर लेते हैं, सबसे पहले जो बेसिक प्लान है इसमें आपको क्या बेनिफिट यहाँ पर मिल रहा है, तो यदि हम देखें तो आप टेबल पे देख पाएंगे कि 199, 1099, 1999 और 4999 रुपए के ये प्लान है, इनकी वैलिडिटी लिखी हुई है। अब इसमें आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है,
ये बेसिक प्लान है। अगर हम बात यहाँ पर करते हैं कि बेनिफिट आपको ये मिल रहा है कि आपको जो कमीशन यहाँ पर है AEPS और MATM पर, ये 10 रुपये तक का कमीशन मिलेगा, हायर कमीशन आपको यहाँ पर मिल रहा है। और बीच के कुछ स्लैब में भी आपको कमीशन ज़्यादा है, इसकी टेबल में भी नेक्स्ट स्लाइड में आगे बताऊँगा। और यदि हम देखें तो यहाँ पर एक ऑप्शन और दिया है, फ्री बायोमेट्रिक L1 डिवाइस। यदि आप 4,999 रुपये का प्लान सालाना लेते हो तो इसमें आपको बायोमेट्रिक डिवाइस भी मिल जाएगी। अब अगर हम इसको कंपेयर करें कि आज की डेट में कोई भी L1 डिवाइस जो है एवरेज 3500 रुपये की मार्केट पे आ रही है, तो अगर हम 5000 रुपये खर्च कर रहे हैं तो 3500 रुपये आपको डिवाइस के मान के चल लेते हैं। और यदि 1500 अगर आपने साल भर का भी दिया मोटा मोटा, अगर हम देखें तो प्रति माह 120-125 रुपये का ये पड़ा, तो इसमें आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा कि अगर आप ATM और AEPS के जो ट्रांजेक्शन है उसमें आपको ज़्यादा कमीशन मिलेगा, घाटे का सौदा नहीं है। अभी आपको अगर लगेगा कि ये रकम हम 5000 एक्स्ट्रा जो खर्च कर रहे हैं ये ज़्यादा रकम है, लेकिन आप देखिए आज नहीं, जब हमारी L0 डिवाइस बंद हो जाएंगी तो आपको एवरेज 3500 रुपये खर्च करना ही पड़ेगा। यदि आप थोड़ा सा और पैसा खर्च कर लेते हैं तो आपको कंपनी का स्पेशल प्लान यहाँ पर मिल जाएगा, आप ज़्यादा कमीशन अर्जित करके वो कवर कर सकते हैं। अब यहाँ बेसिक प्लान में हम बात करें कि हमको कमीशन कितना ज़्यादा मिलेगा, तो यदि हम यहाँ पर आपको जो भी कमीशन मिल रहा है उस कमीशन से आप देख सकते हैं कि कितना कमीशन आपको ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पर मुख्य रूप से जो अमाउंट है उसको 4 अमाउंट में इन्होंने बांट दिया है, आपका कमीशन 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये कर दिया है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि यदि आप 200 रुपये से लेके 1000 मतलब 999 रुपये तक का कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 1 रुपये का कमीशन मिलेगा, 1000 से लेके 2000 तक का जो है उसमें 2 रुपये मिलेगा, और 2000 रुपये से लेके 2999 मतलब 3000 रुपये तक का आप कोई विड्रॉल करते हैं EPS में ATM में तो आपको 5 रुपये मिलेगा, और 3000 से 10000 के बीच में जितना भी अमाउंट आप विड्रॉल करते हैं उसमें आपको 10 रुपये मिलेगा। तो आप खुद देख सकते हैं कि आप 3000, 3500, 4000, 5000, 8000, 10000 कुछ भी निकालेंगे आपको 10 रुपये का कमीशन मिलेगा। तो ये आप एक्स्ट्रा कमीशन लेके, अभी जो मैंने कैलकुलेशन बताया कि आप 5000 रुपये खर्च कर रहे हैं, 3500 की अगर हम डिवाइस भी मान लेते हैं तो आपको 1500 रुपये साल लगा, महीने का 120 रुपये लगा, लेकिन यदि आप देखें यहाँ पर इतना कमीशन कवर करके आप वो ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। और जो आपको डिवाइस यहाँ पर मिलेगी उसमें 2 साल की वारंटी और 2 साल की आपको RD सर्विसेज ऑफर की जा रही है। अब बात कर लेते हैं एडवांस प्लान की, ये अभी जो था वो बेसिक प्लान था, अब एडवांस प्लान में आपको क्या बेनिफिट होना है वो हम देखते हैं। स्लाइड पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एडवांस प्लान को सिर्फ 2 कैटेगरी में रखा है, या तो 6 महीने का है या यदि हम बात करें 3 महीने का है, ये 2 ही प्रकार के हैं। इसमें एक है 1499 का, एक है 2800 रुपये का, लगभग हम इसको मान सकते हैं। तो यहाँ पर और क्या बेनिफिट मिल जा रहा है कि जहाँ आपको वहाँ कमीशन 10 रुपये तक मिल रहा था अधिकतम, यहाँ पर 13 रुपये तक का कमीशन आप अर्जित कर सकते हैं, मतलब 3 रुपये का आपको एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है। साथ में ही यदि आप 6 महीने वाला सब्सक्रिप्शन प्लान यहाँ पर लेते हैं तो कुछ एडिशनल बेनिफिट मिलते हैं। 3 महीने वाले में तो केवल AEPS और MATM में आपको 3 रुपये अधिकतम 13 रुपये मतलब 3 रुपये अधिक और 13 रुपये अधिकतम कमीशन मिलेगा, लेकिन अगर हम 6 महीने वाला लेते हैं 2800 रुपये का प्लान, तो जो आप DMT करते हैं तो DMT में जो आपको कमीशन मिलता है, कई लोग बोलते हैं सर DMT का चार्ज ज़्यादा है, तो आप यहाँ पर DMT में आपको एडिशनल कमीशन मिलने लगेगा, 0.02% का अंतर आ जाएगा। तो जो चार्ज आपको एक्स्ट्रा लगा वहाँ पर 0.02 आपको कम लगेगा। इसके बाद अगर हम देखें कि जो लोग सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, करंट अकाउंट ओपन करते हैं, तो वहाँ पर भी जो भी उनको कमीशन मिलता उसमें 3 रुपये उनको ज़्यादा यहाँ पर मिल जाएगा। दूसरा है यहाँ पर 900 रुपये ऑफ ऑन हार्डवेयर परचेस। यदि आप कोई फिंगरप्रिंट डिवाइस ATM या कोई और हार्डवेयर कंपनी से परचेस करते हैं तो अलग अलग चीज़ों पर जो आपको डिस्काउंट मिलता है उस पर टोटल 900 रुपये तक का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, और आपको फ्री वॉइस अलर्ट भी यहाँ पर मिल जाएगा। ये यहाँ पर बेनिफिट है। जो 900 रुपये की हम बात कर रहे हैं हार्डवेयर बेनिफिट की, उसको आप देख लीजिएगा कि उसमें क्या बेनिफिट है, 900 रुपये वो किस प्रकार से हो रहा है। इसमें 3 प्रकार का है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर आप बायोमेट्रिक परचेस करते हो तो वहाँ पर आपको 200 रुपये का कैशबैक मिलेगा। यदि आप MATM परचेस करते हो तो वो 200 रुपये आपको कैशबैक मिलेगा।
और यदि हम प्रिंटर डिवाइस परचेस करते हैं तो 500 रुपये का कैशबैक मिलेगा। तो इसी तरह अगर हम 500, 200, 200 मिला लें तो 900 रुपये तक ये होता है, 900 रुपये तक का बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हैं। अब यदि हम यहाँ पर कमीशन स्ट्रक्चर की बात करें कि जो हमारे एडवांस प्लान होंगे उसमें कमीशन स्ट्रक्चर क्या होगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 200 रुपये से लेकर 499 रुपये तक का जब आप विड्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको 1 रुपये मिलेगा, 500 रुपये से लेकर 999 रुपये तक 1.5 रुपये आपको मिलेगा, 1000 से 1500 अगर हम माने तो 2 रुपये आपको मिलेगा, यदि हम 1500 से 2000 रुपये निकालते हैं तो 4 रुपये मिलेगा, 2000 से लेकर 2499 रुपये तक 5 रुपये, 2500 रुपये से लेकर 2999 रुपये तक 8 रुपये मिलेगा आपको, और 3000 से लेकर 7999 रुपये तक 10 रुपये मिलेगा, और 8000 से ऊपर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो 10 रुपये से ज़्यादा 3 आपको मिलना है जो एक्स्ट्रा, तो 10 और 3 13 रुपये आपको यहाँ पे कमीशन मिलेगा। तो ये प्लान भी आपके लिए बेनिफिट वाला ही है, आपको ज़्यादा कमीशन यहाँ पर अर्जित हो जाएगा। तो यही कुछ यहाँ पर बात थी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो हमारे BIP प्लान है जिसकी सबसे ज़्यादा भी चर्चा हो रही थी, तो BIP प्लान में आपको और क्या क्या यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। स्लाइड पे यदि हम नज़र डालते हैं यहाँ पर तो BIP प्लान जो हैं वो 6000, 7000, 8000 और 10000 रुपये के यहाँ पर ये BIP प्लान है। अब यहाँ पर इसमें बेनिफिट आपको जो दिए जा रहे हैं, सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात की जा रही है कि यहाँ पर जो इंटरनल इशू कंपनी की तरफ से अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका 4 घंटे के अंदर आपको समाधान दिया जाएगा। इंटरनल इशू से मतलब है जो कंपनी लेवल पे ही सॉल्व हो सकते हैं। अब कुछ इशू ऐसे होते हैं जो बैंक लेवल पे सॉल्व होते हैं, जैसे किसी का APS में पैसा फंस गया, MATM में फंस गया, तो ये कंपनी लेवल पे नहीं होते, इसलिए इनको आप इस पे 4 घंटे पे नहीं कैलकुलेट करिएगा। आपके लिए ग्रीन चैनल उपलब्ध कराया जाएगा ताकि आपकी डायरेक्ट कंपनी के जो अधिकारी होंगे उनसे बात हो सके, अधिकारी से मतलब जो कस्टमर सपोर्ट आपको देंगे। उसके बाद आपको फ्री वॉइस अलर्ट यहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अब दूसरे क्या आपको बेनिफिट मिलेंगे, जैसे बताया यहां पर कि आपको 13 रुपये तक का कमीशन मिलेगा, IIBF की जो फ्री ट्रेनिंग है वो मिल जाएगा, DMT पे आपको 0.05 तक का एक्स्ट्रा कमीशन यहां पर मिल सकता है, और यदि अकाउंट ओपनिंग आप करते हैं तो वहाँ पर आपको 10 रुपये तक ज़्यादा कमीशन मिलेगा पर अकाउंट ओपनिंग पे। अगर आप गोल्ड लोन कराते हैं तो 0.20% आपको ज़्यादा कमीशन मिलेगा नॉर्मल गोल्ड लोन कराने की तुलना में। और यदि और भी हम देखें कि जो आप बेनिफिशरी ऐड करते हैं, जनरली हम DMT वगैरह करते हैं तो वहाँ पर आपको जो चार्ज लग जाता है तो यहाँ पर 50% का उसमें डिस्काउंट है। अगर हम देखें, अगर हमको कोई अकाउंट मैं आपको पैसा भेजना है, आपने बैन वेरीफाई किया तो वहाँ पर 4 रुपये आपको लगते हैं, तो 50% वेरीफाई चार्ज जो है वो कम हो जाएगा, 2 रुपये ही आपका वहाँ पे लगेगा। इसके बाद आप जो हार्डवेयर पे 900 रुपये की हम बात कर ही चुके हैं कि आपको 900 रुपये तक का हार्डवेयर परचेज पे डिस्काउंट मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर हम देखें कि अगर आप कोई और सर्विस पैक कंपनी से कभी परचेज करते हैं तो 5% तक का डिस्काउंट आपको मिल जाता है, यहाँ पर ये बेनिफिट है। अब BIP प्लान में देखा होगा आपने कि 4 प्लान हैं, एक है 5999, एक है 6999, एक है 7999 और एक है 9999। तो इसमें क्या अंतर है और कहां कहां पर आपको बेनिफिट मिलेगा या कितना बेनिफिट दूसरे प्लान की तुलना में अलग होगा, तो अगर आप देखें तो ये स्लाइड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां पर अगर हम बात करें तो इस प्लान के कोई भी अमाउंट वाला आप लेते हैं तो जो वैलिडिटी है वो 12 महीने की यहाँ पर वैलिडिटी आती है। आपको APS पर और MATM पर 13 रुपये तक का कमीशन मिलेगा, कमीशन का चार्ट हम अपनी पुरानी स्क्रीन पर देख चुके हैं। इसके बाद यदि हम बात करें कि क्या हमको यहाँ पर फ्री ATM डिवाइस मिलेगी, तो केवल जो 6999 रुपये वाला प्लान है उसमें आपको ATM डिवाइस यहाँ पर फ्री मिल जाएगी। इसके बाद करें कि आपको DMT पर कितना चार्ज कम लगेगा, नॉर्मली आप देखिएगा 0.05 हमने बताया, लेकिन हर प्लान के हिसाब से ये अलग अलग है। यदि जैसे आप हायर प्लान पर आते हैं 9999 वाले में तो आपको 0.05% तक का चार्जेस कम लगेंगे, जबकि हम जो शुरुआती प्लान है हमारा 5999 उसमें 0.03% का चार्जेस कम लगेगा। इसके बाद यदि हम अकाउंट ओपनिंग की बात करते हैं तो अगर आप 10,000 वाला प्लान लेते हैं, जिसको 9999 वाला, तो उसमें आपको 10 रुपये
तक का अधिकतम कमीशन मिलेगा 7,999 वाले में 7 रुपये, और अगर हम 6,999 और 5,999 वाला देखते हैं तो उसमें आपको 3-3 रुपये का एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा। 900 रुपये तक का जो हार्डवेयर परचेस की बात की जा रही है वो चारों प्लान में आपको मिलेगा। वहाँ पर फ्री वॉइस अलर्ट की बात करें तो चारों प्लान में आपको मिल जाएगा। यदि हम गोल्ड लोन में बात करें कि आपको जो 0.20% एक्स्ट्रा मिलना है तो 0.20% आपको केवल 9,999 में मिलेगा। यदि हम 0.10 की बात करें ये आपको 7,999 वाले प्लान में मिलेगा, कि अगर आप ये प्लान लेते हो तो आपको गोल्ड लोन में 0.10% ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा। 6,999 5,999 वाले में ये नहीं शामिल होगा। इसके बाद बात करें कि 50% ऑफ ऑल बेनिफिशियरी वेरिफिकेशन, तो ये चारों में लागू होगा, चारों प्लान में से आप कोई भी लोगे यहाँ पर 50% आपको लगेगा। VIP कस्टमर केयर आपको सभी प्लान में देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारे VIP प्लान में क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है वो आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं। इन सभी बेनिफिट के अलावा 2 बेनिफिट ऐसे हैं जो कि अभी हाल फिलहाल नहीं है, लेकिन वो हमारे VIP मेंबर को दिए जाएंगे। यदि आप स्पाइस मनी से ये प्लान लेते हैं तो आपको 10,000 रुपये तक का हेल्थ इंश्योरेंस तक का यहाँ पर बेनिफिट दिया है। कई बार होता है कि आप बीमार हो सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन में हो सकते हैं, आपकी दुकान उतनी दिन बंद रहेगी, तो इसमें अप टू 10,000 तक का प्रावधान रखा गया। लेकिन अभी इसकी पॉलिसी नहीं आई है इसलिए हम इसका डिटेल ज़्यादा नहीं बता सकते, लेकिन इसकी लिमिट 10,000 रुपये है। दूसरा, यदि आपके बच्चे हैं तो उनकी स्कॉलरशिप के लिए भी 10,000 रुपये तक का यहाँ पर स्कॉलरशिप मिल सकती है। ये भी अभी प्रावधान में है, पूरी डिटेल आने के बाद ही हम आपको इसकी जानकारी दे पाएंगे। कुछ क्वेरी आप लोगों की हो सकती है, जो लोग ऑलरेडी कोई प्लान लिए होंगे तो क्या हम इसको अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेड से मतलब उनका शायद ये होगा कि मान लीजिए हमने पहले 1,500 रुपये पे कर दिए हैं, अब हम 10,000 वाला प्लान लेना चाह रहे हैं, तो क्या हम 10,000 माइनस 1,500 इस प्रकार का भुगतान करके ले सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, आप अपने प्लान को डायरेक्ट अपग्रेड या डाउनग्रेड नहीं कर पाएंगे, आपको फ्रेश प्लान ही यहाँ पर लेना पड़ेगा। बीच में आप अपने प्लान को ब्रेक नहीं कर सकते, जैसे कि आपने भुगतान कर दिया, 1 महीने बाद आप बोले कि नहीं हमको ये प्लान नहीं चाहिए, तो आपका प्लान कैंसिलेशन भी नहीं होगा। इन सब बातों को ध्यान में रखकर आप ये VIP प्लान को ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर आप थोड़ा बहुत भी व्यावसायिक समझ रखते होंगे, आप लोग जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो उसमें ये जितने भी VIP प्लान हैं कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट वाले हैं। ख़ास तौर से वो लोग जिनके पास MATM भी है, NHDL अकाउंट ओपनिंग या एक्सिस बैंक का अकाउंट ओपनिंग करते हैं, उन लोगों के लिए तो विशेष रूप से ये फ़ायदे का सौदा हो सकता है। जो लोग DMT करते हैं, एक बार में पैसा देना ज़रूर आपको थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, लेकिन अगर आप कहीं से भी ये प्लान लेंगे तो इनकम वाइज आपको दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी चीज़ यहाँ पर है कि जब आप प्लान ले लेते हो तो आपको कैसे पता लगेगा कि हम अपने पैसे की रिकवरी कर पाए या नहीं कर पाए? मतलब आपने प्लान तो लिया कि आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसमें आपको ज़्यादा कमीशन मिले, लेकिन कितना हमको मिला, कितना बेनिफिट हुआ, तो ये सारा कुछ ट्रैकेबल है। आपके जो मोबाइल ऐप होंगे वहाँ पर इसकी पूरी रिपोर्ट आएगी कि आपने कितना एक्स्ट्रा अर्निंग अभी तक यहाँ पर किया है। साथ ही आपका जो मोबाइल ऐप रहेगा वहाँ पर अलग ही गोल्डन कलर से VIP स्टेटस के बारे में जानकारी आएगी, उसका कलर ही वहाँ पर थीम पूरी बदल जाएगी, हर प्रकार से आपको बेनिफिट ही है। अगर आपने ये वीडियो पूरा सुना है, कंपेयर किया है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस प्लान को ज़रूर लेंगे। अभी हाल फिलहाल तक इसकी डेट 31 मई 2023 है। अगर आपको ये प्लान पसंद आते हैं तो आप इसको प्लीज़ ज़रूर से परचेस करें। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होता है, आपको पसंद आता है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही अगर आप जबलपुर के रहने वाले हैं, जबलपुर मध्य प्रदेश के आसपास के हैं, और आप स्पाइस मनी की ID लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम, जय हिंद।